हम सब दुआगो हैं क्योंकि आप हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं कि आप हमारी तबीयत जब हमारी खराब हो तो आप बहुत ज्यादा दुआएं करते हैं। मसला था ना, डॉक्टर ने बोला है 15 दिन इसको दवाई खिला के ना ये सीधा लेटा रहा है, तो फिर ना इसको थोड़ा थोड़ा आठरा दे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तो फिजियत क्या कर रही है? आटा गोल रही हो? किसने बोला है? अम्मी ने। अम्मी ने, अच्छा। यहाँ पे जी आटा लगाया जा रहा है। कौन जाएगा रोटी लगाना? मेहरान। मेहरान, आप साथ जाओगे? यहीं पे जब वो शहर में। नहीं नहीं वहीं पर तो सड़ी में फिर मैं भी चले जाऊंगी। कटे चले जाना, फिर वक्ती आ जाना, ठीक है? उसको बोलना वक्ती वक्ती रोटी लगा दे। आ जाना, क्या हाल है? आप सीख रही हो आटा गूंदना? नहीं आता? नहीं। अच्छा, बता रहे इसको सिखाओ। अभी सिखा रही हूँ, मैंने कहा है ऐसे ऐसे, फिर वो कहते मठा जाऊंगी फिर। ठीक है जी, चले गए जी। भिंडी काटे जा रही है तो मैं ले आया हूँ। तो यहाँ पे भिंडी, ये मसाले, तो भिंडी काटेंगे फिर मसाले काटेंगे। कर रहे हो? क्या कर रहे हो? बर्तन धो रहे हो? बीबी और ढोलू पर क्या कर रहे हैं? टंगारे धोए जा रही है। वाह जी वाह, ढोलू पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। कपड़े बर्तन भी धो रहा है और पाकिस्तान नारा भी लगा रहा है। चले धोए धोए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। तबीयत सेहत कैसी है? ठीक है माशाल्लाह। क्या हो रहा है? बस काम जो होता है। अच्छा, व्लॉग बनाने का? हाँ जी। चलो सही है सही है। कितना बना लिया अभी? रहा अभी शुरू किया। अभी शुरू किया है? हाँ जी। अच्छा, ओ चाचू कहाँ गया? आपके चाचू सुबह के शहर गए हुए हैं, अभी तक वापस नहीं आए। हाँ जी। और सुनाए? और ठीक ठाक। आप क्या बना रहे हैं? मैं बना रही हूँ भिंडी। हम भी बना रहे हैं। आप भी भिंडी बना रहे हो? हाँ जी माशाल्लाह, फिर तो दोनों घर में भिंडी है। हाँ जी सही है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहे खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तब मुझे देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ मुखलिस के चैनल पर। इनके चैनल को जो भरपूर सपोर्ट करनी है, पूरा पूरा साथ देना है। तो जो इनके चैनल पर न्यू है, इनके चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट्स कर दें। वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो मेरी सिस्टर के लिए और वर्ल्ड ऑफ मुखलिस भाई के लिए आपने दुआ करनी है बहुत सारी, तो जल्द अज जल्द जो है सेहतियाब हो जाएं, पहले की तरह हंसते मुस्कुराते आपके सामने आएँ। तो ऐसे तो बहुत परेशानी बनी हुई है, भाई की भी और मेरी सिस्टर की भी, बहुत परेशान हैं हम और बच्चे भी बहुत परेशान हैं। तो आप बहन भाइयों ने दुआ करनी है और दुआ कर भी रहे हैं, तो आपको बहुत शुक्रिया। आप दुआ कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे, हम भी आपके लिए दुआ करते हैं। तो सब जो बच्चे हैं, बहनें हैं, तो सब दुआ करते हैं। तो अल्लाह पाक जो है मेरी बहन को, नसीबा सिस्टर को और मुखलिस भाई को जल्द ठीक कर दे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुसाकिर रहें, फूलों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। फर्स्ट पार्ट तो हमारे चेंज कर सकते हैं, हमारे चेंज सब्सक्राइब करें,
लाइक करना है, शेयर करना है, तो शाम के लोग साथ तो रहना हमारे साथ साथ, वीडियो सब्सक्राइब नहीं करनी, हमारे साथ जुड़े रहना है। तब चलते हैं वीडियो की तरफ। हम पहुंच गए हैं तो चाचू प्रसाद के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सही। तबीयत बेहतरीन बेहतरीन। अल्लाह दे रहम का। हां जी, प्लास्टर हो रहा है? हां हो रहा है प्लास्टर। हां जी ठीक है। आप सुनाओ ठीक हो? फिट फाट। मुखलिस साहब कैसे हैं? बस कुछ कुछ बेहतर लगते हैं। फिर दवाई इतना सही से मतलब काम नहीं कर रही है। हां जी चलो अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अच्छा। अमित तेरी का क्या हाल है? वो उसका भी सुना है बीमार है। हाँ वो भी मार है, दवाई खा रही है बस। अच्छा। कुछ बेहतर लग रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। तबीयत? तबीयत आज डाउन है। डाउन है? बुखार हो रहा है। बुखार आ रहा है? अच्छा जी। सुबह का सोया पड़ा रहा। हाँ जी। मैं एक वीडियो बनाई है। हाँ जी। अभी उठ के आया हूँ। हाँ जी। थोड़ा मैं बाहर का ना अभी दिन जो है ठंडा हो गया है। हाँ जी। तो बाहर थोड़ा सैर करते है। हाँ जी। तो सैर करने के लिए आया। अच्छा जी। और आप सुनाए? हम बिल्कुल ठीक ठाक। जुकाम भी लगा हुआ है। हाँ जी। और पूरे जिस्म में जो है ना वो दर्द सी महसूस हो रही है। हाँ जी। अल्लाह ताला करम करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और कल चाहना चाहोगे कुछ कहना चाहोगे? और हम क्या कहना चाहेंगे, यही कहना चाहेंगे जो बहन भाई हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और अच्छे अच्छे कॉमेंट्स कर दिया करें। ओके हो गया जी। ओके जी ओके। वालेकुम प्यारे बहन भाई, हो क्या हाल है? तो रेडी करो भाई भी ठीक है। सारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ऐसे आप कार्य करो, वीडियो के बिल कल करना। तो हमारा ब्लॉग हो गया शुरू, तो चलते हैं ब्लॉग के। तो अभी चलते हैं चूल्हे के पास। तो ये देखें मेरी बड़ी बहन ने ये अभी धोनी है, इसको ये भी धोनी है और धो के चाय। और अब मौसम दिखा दो, ये देखें मौसम भी खूबसूरत बना हुआ है, तो बहुत ही अच्छा और प्यारा। बख्तावर और इस्लामुद्दीन ये लूडो खेल रहे हैं। हाँ जी इस्लामुद्दीन। हाँ जी। लूडो खेल रहे हो? हाँ जी। तो वो सलाम दुआ करो। अस्सलाम दुआ तो क्या लिमिट का तो आप कुछ संग है हम चाचू के लिए होला, मेरे खाला के लिए होला, हमारे के लिए होला, सब के लिए दुआ करनी है। हाँ जी। बच्चा वाला आप इस्लाम दा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? मत करते सर सुन घर के तो सर का जाम दा पिछरा बात है हंसते हम का बोले के जल जाना मत। हां जी मिलान ये ना ना बगदावर को ये बलगोटी माल दी है। हां जी। तो जी ये देखें ढोलू भी आ गया। ढोलू ढिंडकन लग दी रे, ढिंडकन लग दी रे, ढिंडकन लग दी रे, ढिंडकन लग दी रे। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान उल्लू को देख रहा है। टुलु 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 ओहो डर जाते हो? आओ चले चाय, चाय बन रही है ना चाय के पास चले। ये देखें पापड़ी हमने लिए, इसके अंदर पत्ती थी। ये देखें और ढोलू देख के हैरान हो रहा है। ढोलू ढिंडक नगी ढिंडक नगी डी पच्चीस के अंदर है। ठो 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 वो यहाँ से फटा हुआ है इसलिए पच्ची अंदर गई। फटे 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 निकालें इसको बाहर। निकलो 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 बाहर, निकलो 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 बाहर। ये लो आ गई बाहर, अब डोलू हो गया यार। डोलू मुझे डाले, डोलू मुझे डाले। बर्तन भी धुल चुके हैं। और ये देखे ढोलू ढिंडक नक दी डी ढिंडक नक दी डी इसके अंदर पाए।
डालें। ए बम बम बम, आप अंदर नहीं जा रही, ये बड़ी हो गई है, पहले तो छोटी थी। चलो डिंग 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 डिंग, शू शू ऐसे करके डालूं। चलो जी, दूध भी आ गया है और ये प्याले भी धुल के आ चुके हैं, देखते भी तो ये देखें, और ढोले भी, ढोले की प्याली, प्याली कहाँ है, ये है, ये इसको दे दो, ये डालो प्याली, दुनिया का सबसे बड़ा प्याला, दुनिया का सबसे बड़ा प्याला, ढालो डिंडें। चलो इसको रख दो, फिर चाय बन जाएगी तो फिर खाएंगे। यहाँ पे चलो, ये लो मोबाइल, मोबाइल अभी पानी डाल रहे हैं दूध के, मुझे पानी भी रखा हुआ है, फिर दूध में पानी डाल के फिर पत्ती चीनी डाल के फिर चाय उठाता हूँ ये, तो फिर तैयारी करता हूँ सको की वर्दी पहन के फिर चाय पापा खाएंगे। ये देखें, ये चाय हमारे चूल्हे पे चार चुकी है, तो थोड़ी सी देर है फिर बन जाएगी, तो फिर प्याले में डाल के खाएंगे। ये देखें हमारे चाय रेडी हो गई है, तो अभी प्याले में डालते हैं, चूल्हा भी बंद कर दिया है, तो प्याले में डालो, डाल के, और ढोलों ने पापे भी उठा ले, पापा है खोलो, दिखाओ खोलो, ढालो पापे खाने हैं, खोल दूं, रुको अभी खोल देता हूँ, ये खोल गए, चलो उठा लो। ये हमने चाय और पापा खा लिया है, तो ये देखे ढोलों ने भी खा लिया है, ढोलो ढेर फूल कर लिया है, हैं? चाय और पापा खा लिया, फिर वहां पे आ गया, आ चलो आओ चलें, चलो 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 भागो, हट हट हट, चलो अब खाला के पास चलते। चाय और पापा खा लिया, अभी जैनब और मेरी बड़ी बहन खा रही है, तो फिर वो अभी हमें उठेगी तो उससे पैसे लेंगे और ये बस्ता उठाएंगे, तो फिर जाएंगे। जैनब जल्दी जल्दी खा लो, फिर वो वर्दी पहनो, स्कूल की लेट हो रही है, टाइम 7 बजने वाले हैं। इधर बैठा है हैदर, डिन डक्कन नक डी डिन डक्कन नक डी डिन डक्कन नक डी डिन, जुम्मा दिखाओ, डिन डक्कन नक डी डिन डक्कन नक डी डिन। ये देखे दान अब तैयारी कर रही है, और बख्ता और वहाँ पे वो दूध पी रही है, और ढोल भी खेल रहा है, और ढोल भी खा रहा है, तो ये देखें। तो जी मैंने तैयारी कर ली है, तो अभी रैंडअप तैयारी कर लिया, तो रैंडअप जब तैयारी कर लेगी तो फिर वो ये नूरुद्दीन असलामुद्दीन भी तैयारी करेंगे, तो फिर जाएंगे स्कूल। तो ये देखें, ये हैदर अली भी खेल रहा है, डिंडक नक डीडा 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 डिंग, वहाँ पे डॉगी। ये तो प्यारे बहन भाई, आज जो है सबा भाभी और अहमद भाई हमारे घर हैं, ये रोज आते हैं हमारी तबीयत की खैरियत पूछने के लिए, ऐसी बात कोई भी नहीं है, तो भाई आपका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, भाभी आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आप चल कर आए, और तमाम जो मेरे बहन भाई हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ तहे दिल से, कि आप लोगों की दुआएं हैं जो हमारे साथ हैं, काफ़ी जो है तबीयत हमारी बेहतर होने वाली है, हो रही है, यानी कि दवाई भी चल रही है और साथ में दुआएं भी हो रही हैं, मुखलिस की तबीयत भी बहुत बेहतर हो चुकी है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा, जल्दी अपने पाँव पे खड़े होंगे।
जी बिल्कुल, अल्लाह पाक जो है सेहत वाली लंबी जिंदगी दे। हम बहुत ज्यादा मशकूर हैं अपने देखने वालों के, अपने बहन भाइयों के, जिन्होंने हमारे लिए बहुत ज्यादा दुआएं की, हर नमाज में दुआएं की, मुखलिस भाई के लिए, भाभी के लिए। तो अल्लाह पाक सबको जो है वो मदीने पाक की ज्यारत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक बे औलादों को औलाद नरीना अता फरमाए। जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको नेक औलाद दे, और जो परेशान हैं अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। अल्लाह पाक किसी को भी बीमारी ना दे, जो बीमार हैं अल्लाह पाक शिफाए कामला अता फरमाए। तो हम सब दुआगो हैं क्योंकि आप हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं, कि आप हमारी तबीयत जब हमारी खराब हो तो आप बहुत ज्यादा दुआएं करते हैं। आप हमें सबसे ज्यादा आप अजीज हैं, जो हमेशा दिन रात हमारे साथ जुड़े हैं, दिन रात हमें मैसेजेस करते हैं, कॉल्स करते हैं, कमेंट्स करते हैं। यकीन करें हमारी आप फैमिली हैं, हमारा आप सरमाया है, हमारा आप सब कुछ है। तो मुखलिस भाई की अभी बात की है, मुखलिस भाई बोलते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक्टिव भी काफ़ी हो चुके हैं। मजीद जो है इनका यही मसला अभी जो बताया है कि ये ज़्यादातर ना सोने की वजह से इनको कमर में दर्द है, क्योंकि जब एक महीना इंसान चारपाई पे पड़ा रहे, साफ जाहिर है उसकी पीछे वाले जो है सारी चीज़ें वो फिर एक किस्म की अकड़ जाती है, उस वजह से जो है इनकी कमर में दर्द है। इसके मोहरे का मसला था ना, डॉक्टर ने बोला है 15 दिन इसको दवाई खिला के ना ये सीधा लेटर है, तो फिर ना इसको थोड़ा थोड़ा आसरा देकर चलना है। तो मैं भी चार महीने पड़ गई हूँ, तो इसलिए मैं बेटे को नहीं कहती जो इसको चलाओ, फिर हो सकता है फिर गिर जाए। बच्चा है वो, कभी ऐसा हाँ। मतलब वो ना गिर जाए। बाकी देखे हमने व्लॉग बनाए, अभी 15 दिन हो गए हमने वीडियो में नहीं दिखाया मुखलिस भाई को अपने चैनल पे, वो इसलिए कि लोग जो है वो मजाक बनाते थे। लेकिन मैं फिर भी नसीबा भाभी को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि लोगों की बातें सुनने के बाद, मेरा तो चले भाई है, उसका तो एक लाइफ पार्टनर है, उसका शोहर है, उसके खिलाफ बातें सुनकर भी इसने अपनी व्लॉगिंग को जारी रखा, अपने वीडियोस को जारी रखा, क्योंकि उसको पता है कि हम वीडियोस बनाएंगे, व्यूज़ आएंगे उसके ऊपर, तो ही जाके हमारी महीने की सैलरी आएगी। अगर हमने लोगों की बातें सुनकर चैनल को बंद कर दिया या मुखलिस को दिखाना या वीडियोस बनाना बंद कर दी, तो हम फिर खाएंगे कहाँ से? क्योंकि रब पाक ने हमारा ये एक रोज़ी का वसीला बनाया है, हम अपना काम कर रहे हैं, अपनी रोज़ी कर रहे हैं। तो हम जो हैं वो बिल्कुल, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता था कि मेरे भाई के खिलाफ जो है वो अजीब सी मजाक उड़ाई जाती थी। जो दुआ नहीं दे सकता ना वो बद दुआएं भी ना दे। तो भाई मैंने अपने दिल को ना बहुत मजबूत किया, रोई भी थी बहुत ज्यादा, दुआएं भी की थी और दिल भी मेरा टूटा था। फिर भी मैंने ये सोचा कि मेरे जो सर का ताज है उसकी ये हालात है, मैं दूसरों के कमेंट की वजह से मैं अपने बच्चों की रोजी जो है ख़त्म कर दूं, ये अच्छी बात नहीं है, मैं किसी से कुछ मांगा तो नहीं है। क्योंकि असगर भाई ने खुद चैनल क्रिएट किया था, खुद उस पर मेहनत की, मिसाल के तौर पे ये उसकी एक यादगार मिसाल भी है, एक निशानी भी है। जैसे कि एक दौर होता है, हम किसी को अगर बना देते हैं कोई चीज़, मिसाल चैनल बना देते हैं, कल को वो चलाते हैं तो वो याद करते हैं कि यार ये हमें सबा अहमद की तरफ से गिफ्ट है। तो इस तरह से मतलब कि होता है ये सीन। तो असगर भाई ने चैनल चलाया था, अगर ये बंद कर देते कल को असगर भाई उठता जैसे अभी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर होता जा रहा, तो ये कहता चैनल का आपने क्या किया, उस पर वीडियो क्यों नहीं लगाई, उसको क्यों ख़राब किया इस तरह से, तो उसको बहुत ज़्यादा दुख होता क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा मेहनत थी, मेहनत थी उस पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह असगर भाई की तबीयत बेहतर होती जा रही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह ताला आप सबकी दुआओं का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, हम बेहद मशकूर हैं। बाकी यही होता है कि 100 में से 2 जलने वाले होते हैं, बाकी तो हमसे मिसाल के तौर पे 100 में से 98 जो हमारे बहन भाई हैं उनको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है हमारी बीमारी की वजह से, हमारे मसले मसाइल की वजह से, वो बहुत ज़्यादा जो है हमारे लिए दुआएं करते हैं। तो हम 2 की परवाह क्यों करें, जब 98 बहन भाई हमारे साथ हैं 100 में से, तो 2 की हमें क्या परवाह है? कोई परवाह नहीं, कुछ परवाह उसकी तो मैं टेंशन अभी लेना भी खत्म। बाकी काफ़ी जो है वो पूछते हैं कि कामयाबी का राज क्या है, तो कामयाबी का राज मैं इस तरह से दूंगा, जैसे कि नंबरदार के घर में भी एक छोटा सा अभी कुत्ता है, तो मैं उसके ऊपर मिसाल दूंगा कि वो अभी बिल्कुल छोटा सा कुत्ता है, आप उसके पास से गुजरेंगे ना वो चुप करके बैठा रहेगा, ठीक है? आप मतलब या एक भौंक मारेगा वो कुत्ता भौंकेगा, आप अगर उसको दोबारा जवाब देंगे मजीद भौंकेगा, दोबारा जितनी आप सारा दिन उसको जवाब देते रहो या मारते रहो वो भौंकना बंद नहीं करेगा बल्कि मजीद भौंकेगा। अगर आप एक दिन गुजरोगे भौंक मारेगा चुप करके चले जाओ, दूसरे दिन भौंक मारेगा आप चुप करके चले जाओ, तीसरे दिन वो भौंक ही नहीं मारेगा, वो कहेगा इसको असर ही नहीं होता,
ये तो मुझे मुझे मतलब के गौर ही नहीं करता मेरी, तो वो भौंकना बंद कर देगा। तो जो भी न्यू यूजर हैं, जो भी न्यू यूट्यूब चैनल पे आते हैं, क्रिएट करते हैं फैमिली वाले, हमें पता है कि विलेज लाइफ वालों की कितनी ज्यादा बहुत ज्यादा मजबूरियां होती हैं, और वो चैनल क्रिएट करते हैं कि चले हम अपना रोजगार कर सकें, तो उसको टारगेट किया जाता है, उनको जलील और रुसवा किया जाता है। तो उनके लिए पैगाम है कि ये जो कुत्ते भौंकते हैं आपने उनको जवाब नहीं देना, बल्कि आपने अपनी कामयाबी की तरफ जो है वो सफर रवा दवा रखना है इंशाल्लाह ताला। अल्लाह पाक हमें भी कामयाब करे, आप सबको भी कामयाब करे। नेक दुआओं के साथ हमें इजाजत दें, अब हम जाते हैं अपने घर। बैठो, खाना बंद। बस अभी हम भी जाते हैं, कुछ बनाते हैं और लिया तो अभी कुछ नहीं, शाम हो रही है, बस कोई चीज मंगवा लेते हैं फिर खा लेते हैं। अल्लाह पाक आपको बहुत दे इंशाल्लाह, अल्लाह पाक बहुत सारा दे। तो अभी हम चलते हैं जी, तो आप सब ने अपनी दुआओं में हमेशा याद रखना।